नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका दिव्य दर्शन डायरी में। आज के रोशनी भरे एपिसोड में हम महाभारत की प्राचीन लेकिन आज भी महत्वपूर्ण दुनिया के कुछ ऐसे गहरे रहस्यों को जानेंगे। एक महाकाव्य जिसने पूरी सभ्यता, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भूमिका को आकार दिया है। महाभारत को अक्सर संदेह और आधे सच के लेंस के माध्यम से देखा जाता है, लेकिन अगर हम आपको बता दें कि आप जो सोचते हैं वो शायद पूरी तस्वीर नहीं है। आज हम इस महान कथा से 15 काल्पनिक बातों को खंडन करने जा रहे हैं। साथ हम इन अमर कथाओं में छिपे हुए आश्चर्यजनक सत्यों को उजागर करेंगे। तो अपनी सीटें पकड़िए और कड़ी से जुड़िए। पहला मिथ, द्रौपदी महाभारत युद्ध का कारण थी। कई लोग मानते हैं कि द्रौपदी का गर्व और उनका कौरव कोर्ट में अपमान सीधे तौर पर महाभारत युद्ध की ओर इशारा करता है। वास्तव में द्रौपदी केवल राजनीतिक और पारिवारिक संघर्षों की कठिन टहनी का एक तत्व थी। कई प्रमुख घटनाएं, बुजुर्गों द्वारा निर्णय और यहां तक कि स्वर्गीय भविष्यवाणियां भी युद्ध का कारण थीं। दूसरा मिथ, अर्जुन सबसे महान धनुर्धारी थे। धनुर्विद्या के शिखर के रूप में माने जाने वाले अर्जुन को युगों से पूजा जा रहा है। उनकी क्षमताएं अतुलनीय थीं, दुश्मनों का संहार करने से देवताओं की मदद तक। सत्य तो ये है कि अर्जुन अकेले धनुर्धारी में मास्टर नहीं थे। कर्ण, एकलव्य और भीष्म उतने ही सक्षम थे। विभिन्न खातों में साबित होता है कि अर्जुन के पास दिव्य शस्त्र थे जो दूसरों के पास नहीं थे। तीसरा मिथ, क्या कृष्णा पांडवों की ओर थे? ऐसा बोला जाता है कि भगवान कृष्णा को आमतौर पर पांडवों का स्पष्ट समर्थक माना गया है। उनकी मार्गदर्शन और हस्तक्षेप को पांडवों के प्रति उनकी तरफदारी के सबूत के रूप में देखा जाता है। लेकिन सत्य तो ये है कि कृष्णा विश्व संचालक थे। उनका मुख्य उद्देश्य धर्म की पुनर्स्थापना थी। हालांकि उन्होंने पांडवों की मदद की, लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं कौरवों को भी प्रस्तुत की थी। चौथा मिथ, कर्ण हमेशा एक कौरव थे, राधा और अधिरथ का बेटा। कर्ण की दुर्योधन के प्रति अटल निष्ठा थी। उन्हें कई लोगों की नजरों में एक कौरव माना जाता है। वह उनके साथ उनकी आखिरी सांस तक खड़े रहे। सत्य तो ये है कि कर्ण वास्तव में एक दिव्य पुत्र थे। कुंती को संत दुर्वासा से एक वरदान मिला था, जिसने उन्हें किसी भी देवता को पुकार कर एक पुत्र को जन्म देने की क्षमता दी थी। कर्ण का जन्म चमत्कारी था, न कि एक स्कैंडल, जिससे वह खून से एक पांडव हैं। पांचवा मिथ, भीष्म की प्रतिज्ञा। भीष्म की ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण उन्हें महिमा मिलती है। उनका चयन अक्सर त्याग और वफादारी की शिखर के रूप में देखा जाता है। भीष्म ने ब्रह्मचर्य उचित कारणों से ग्रहण की थी। सत्य तो ये है कि भीष्म ने पारिवारिक दबाव में यह प्रतिज्ञा ली थी ताकि उनके पिता राजा शांतनु की सत्यवती से शादी हो सके। उनका चयन पूरी तरह से मुक्त नहीं था, यह एक समझौता था। प्रतिज्ञा ने उनके जीवन और पसंदों को कठोर तरीके से आकार दिया। भीष्म को खुद कभी कभी इस प्रतिज्ञा का पछतावा हुआ। छठवां मिथ, युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े थे। वह अपनी अटूट ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हैं। इस विश्वास ने उन्हें धर्मराजा, धर्म के राजा का उपाधि दिलाए। सत्य तो ये है कि युधिष्ठिर ने भी अपने क्षणों की समझौता किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अश्वत्थामा की मौत के बारे में गुरु द्रोण को धोखे में डालने के लिए चतुर शब्दों का उपयोग किया, जो आधा सत्य था जिससे उन्हें महत्वपूर्ण परिणाम मिला। सातवां मिथ, भक्ति के रूप में गांधारी की आंखों पर पट्टी। गांधारी के खुद की आंखों पर पट्टी बांधने के फैसले की अक्सर अपने पति के प्रति अत्यधिक समर्पण के रूप में सराहना की जाती है। कहानी में उसे अक्सर एक आदर्श पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। सत्य तो ये है कि गांधारी की पट्टी भी एक जबरदस्ती की शादी के खिलाफ उनके विरोध का प्रतीक थी। यह एक प्रतिरोध और हानि का कार्य था। आंखों में बांधी पट्टी उनके पति की कमजोरियां को बांटने की इच्छा को भी दर्शाता है। आठवां मिथ, शकुनी का उद्देश्य। महाभारत के शकुनी को अक्सर सीधे सीधे खलनायक के रूप में टाइपकास्ट किया जाता है। वे कौरवों के कार्यों के पीछे की सोच थे। उनके चरित्र के बारे में शायद ही कभी गहराई से चर्चा की जाती है। सत्य तो ये है कि शकुनी की अपनी बहन गांधारी के विवाह से जुड़ी एक अधिक कठोर पृष्ठभूमि थी। उनका मानना था कि भीष्म ने एक अंधे राजा से उनकी बहन की शादी करके उनके साथ अन्याय किया है।
उसके इरादे सिर्फ क्रूर इरादे नहीं बल्कि बदला लेना था। नौवां मिथ, अभिमन्यु की मृत्यु। अभिमन्यु की मृत्यु को अक्सर एक योद्धा की मृत्यु के रूप में दर्शाया जाता है। अनेक विरोधियों का सामना करने में उनके साहस और कौशल की प्रशंसा की जाती है। अभिमन्यु को अक्सर एक वीर लेकिन दुर्भाग्यशाली योद्धा के रूप में याद किया जाता है। सत्य तो यह है कि युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए अभिमन्यु को कई योद्धाओं द्वारा घेर लिया गया और गलत तरीके से निशाना बनाया गया। उसे दुर्गम बाधाओं का सामना करना पड़ा और धोखा दिया गया। उनकी मृत्यु उन योद्धाओं की नैतिकता पर सवाल उठाती है जिन्होंने उन्हें मार डाला। यह एक उचित लड़ाई नहीं थी बल्कि एक हत्याकांड था जिसमें उनकी कम उम्र और अनुभव का फायदा उठाया गया था। अश्वामित्र, एकलव्य का अंगूठे का बलिदान। एकलव्य को अक्सर एक समर्पित छात्र के रूप में देखा जाता है जो स्वेच्छा से द्रोण को शुल्क के रूप में अपना अंगूठा देता है। एकलव्य को एक विनम्र और समर्पित शिष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन सत्य तो ये है कि गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी की स्थिति की रक्षा के लिए मांगा, लेकिन यह एक उचित अनुरोध नहीं था। यह जातिवादी भेदभाव को दर्शाता है। एकलव्य उस समय की सामाजिक असमानताओं का शिकार थे। उनका बलिदान मजबूरी में किया गया था, यह एक स्वतंत्र भक्ति का कार्य नहीं था। 11वां मिथ, विदुर केवल एक मंत्री थे। हास्तिनापुर के बुद्धिमान मंत्री विदुर को अक्सर उनके राजनीतिक ज्ञान और सिंहासन के प्रति सलाहकार भूमिका के लिए याद किया जाता है। वास्तव में विदुर धर्म, न्याय और ज्ञान के एक श्रेष्ठ प्रतीक माने जाते थे, जिनका जन्म एक वरदान और एक श्राप के कारण एक सेविका से पैदा हुए थे। वह धर्म के अवतार थे और कुछ संस्करणों में उन्हें न्याय के देवता यम का अवतार माना जाता है। द्रौपदी का दुर्योधन पर हंसना। बहुत से लोग मानते हैं कि द्रौपदी ने पांडवों के महल में दुर्योधन के आगमन के दौरान उन पर हंसा, जिससे उनके बीच दुश्मनी और भी बढ़ गई। सत्य तो ये है कि महाकाव्य के विभिन्न रूपों में विभिन्न कथाएं प्रस्तुत करते हैं। कुछ में द्रौपदी ने नहीं हंसा, बाल्की वहां दूसरे लोग थे जिन्होंने हंसा। वहीं कुछ में उनकी हंसी को उपहास के रूप में नहीं बताया गया है बल्कि एक अजीब स्थिति के लिए एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया के रूप में बताया गया। 13वां मिथ, युधिष्ठिर का जुआ। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर की अक्सर अपने राज्य को दांव पर लगाने के लिए आलोचना की जाती है। कई लोग इसे उनके दोषपूर्ण चरित्र का प्रमाण मानते हैं, अपितु सत्य तो ये है कि युधिष्ठिर पर उनके बड़ों और रिश्तेदारों ने पासे के खेल के लिए दबाव डाला था। जुए का खेल शकुनी द्वारा बनाया गया था जिससे उनका जीतना असंभव था। 14वां मिथ, दुर्योधन शुद्ध दुष्ट था। दुर्योधन को अक्सर महाभारत का खलनायक माना जाता है। उन्हें संघर्ष और युद्ध का कारण माना जाता है। वह धोखेबाज, लोभी और अनैतिक माने जाते थे। उनके कार्य को आमतौर पर पूरी तरह से बुरा माना जाता था। सत्य तो ये है कि दुर्योधन भी एक कुशल योद्धा और शासक थे। विशेषकर कर्ण के साथ उनकी सच्ची मित्रता और वफादारी थी। उनके कार्य उनकी न्याय और धार्मिकता की भावना से प्रेरित थे। वह पूरी तरह से दुष्ट नहीं था, वह अपने स्वयं के दिशा निर्देश के साथ एक कठोर चरित्र था। 15वां मिथ, पांडवों को शासन करने का अधिकार। पांडवों को अक्सर हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौरवों ने उनके साथ अन्याय किया था जिन्होंने उनका राज्य हड़प लिया था। उनकी जीत को अक्सर अच्छाई पर बुराई की विजय के रूप में महिमा मिलती है। सत्य ये है कि पांडव और कौरव दोनों के पास सिंहासन के लिए कठोर दावे थे। दुर्योधन तकनीकी रूप से राज करने वाले राजा का सबसे बड़ा पुत्र था। वहीं पांडवों के पिता पांडु ने वास्तव में सिंहासन त्याग दिया था। महाभारत युद्ध केवल सिंहासन के लिए एक काला सफेद संघर्ष नहीं था, दोनों पक्षों के पास मान्य तर्क थे। हमने महाभारत में भ्रमण किया और उसके बारे में बहुत कुछ नया सीखा तथा अक्सर कुछ नजरअंदाज की जाने वाली बारीकियों को भी खोज निकाला। यह कहानियां सिर्फ अच्छी या बुरी नहीं है बल्कि इनमें कई तरह के पहलू हैं। यहाँ के पात्र और उनकी समस्याएं भी बहुत इंटरेस्टिंग हैं। धन्यवाद दोस्तों, महाभारत के इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में, जहां हम और भी रहस्यों को खोलेंगे। नमस्कार।